स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रानीताल ईदगाह में आयोजित 2 दिवसीय उर्स सलामी बुरहानी महमूदी के दूसरे दिन सोमवार को अपराह्न शाम 5 बजे अकीदत के साथ चादर जुलूस निकाला। नायब मुफ्ती ए आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद मुशाहिद रजा कादरी बुरहानी ने चादर जुलूस की कयादत फरमाई। जुलूस के आगे नादको हजरत नत शरीफ व मनकबत पाक पेश करते हुए चल रहे थे। अकीदत मन उनको नजराना पेश कर रहे थे। ईदगाह पहुंचने पर मजार शरीफ पर चादर पोशी व गुल पोशी की गई। साहिबाद नमाज मगरीब कुल शरीफ हुजूर बुरहाने मिल्लत अलैही रहमत व हजरत महमूदे मिल्लत अलैही रहमत का अहतमाम किया गया। रात्रि 10 बजे जलसे का आगाज हुआ। जलसे में स्थानीय व दूर दराज से तशरीफ लाए उलेमा किराम ने अपनी तकरीर पेश की। नादगो हजरात ने नत शरीफ मनकबत पाक पेश की। ईदगाह परिसर नारे तकबीर अल्लाह हो अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह के नारों से गूंजता रहा। रात भर चली तकरीरों के बाद अल सुबह कुल शरीफ हुजूर ईदुल इस्लाम का अहतमाम किया गया। सलातो सलाम व दुआ के साथ उर्स का समापन हुआ। सजदानशीन सूफी जियाउल हक कादरी बुरहानी ने उर्स शरीफ में उलेमा किराम स्थानीय व दूर दराज से आए अकीदतमंद हजरत का शुक्रिया अदा किया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।